चार बज चुके हैं और चार बजे की इस वक्त की पांच बड़ी न्यूज हैरान करने वाली जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती है। सीधा देखें यहां पर चोरी और सीना चोरी इस वक्त की बड़ी खबर। WHO की कोरोना इन्वेस्टिगेशन टीम को चीन ने आने से रोक दिया है, यह बड़ी खबर, रोकिए इसको, होल्ड करें। चोरी और सीना चोरी, WHO की इन्वेस्टिगेशन टीम को चीन ने आने से रोक दिया है, इस वक्त की टॉप न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेक्सिको में फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद महिला डॉक्टर को लकवा मार गया है। यह महिला डॉक्टर थी जिसको लकवा मार गया है फाइजर की वैक्सीन के बाद, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री ने शुरू कर दिया है। इस बीच पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील ने लगाया है फाइजर पर इल्जाम वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जवाबदेही नहीं लेना चाहती कंपनी। फाइजर कंपनी वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जवाबदेही नहीं लेना चाहती है, इसीलिए पेरू फाइजर से कोई भी डील करने में कई बार सोचेगा, अर्जेंटीना सोचेगा। चीन के नए साल के एजेंडे में युद्ध शामिल, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी राष्ट्रपति ने दिया किसी भी वक्त जंग की तैयारी का आदेश, यानी कि अभी तो LAC के बर्फ भी नहीं पिघली है लेकिन ये युद्ध के लिए मोर्चा संभाल बैठे हैं। और यकीन मानिए LAC के पास इनकी तैयारी जबरदस्त फिर से शुरू हो गई है। लेकिन अरबपति जैक मा की संपत्ति हड़पना चाहती थी चीन की सरकार। चीन में 6 दिन में ही शान की नेटवर्थ 13.9% बढ़ी। क्यों? क्योंकि वो शान जो है वो शी जिनपिंग के क्लोज है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।